ये यूपी में हो रही तानाशाही के बीच योगी की पुलिस ने उड़ाया दीपक चौरसिया का होश। दीपक चौरसिया के रिपोर्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी में पंचायत चुनाव अब हिंसा का गढ़ बन चुका है। कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं तो कहीं लोगों को योगी की पुलिस की अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो दीपक चौरसिया का पत्रकार हत्थे चढ़ गया है। पहले यूपी पुलिस ने दीपक चौरसिया का पत्रकार को दौड़ाया, उसके बाद जमकर पीटा भी। इसके अलावा वीडियो में एक नेता भी नजर आ रहे हैं जो यूपी पुलिस के सह में है। वे दीपक चौरसिया के पत्रकार को पीट रहे हैं। दोस्तों आइए आपको इसका हम वीडियो आपको दिखाते हैं। देखा आपने, ये गोदी मीडिया चमचागिरी में अपना सारा दिन निकाल देती है। और दीपक चौरसिया जैसा पत्रकार, जो पत्रकार नहीं नफरत का एजेंट है, हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने में माहिर है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज इसकी दलाली भी इसके पत्रकार को बचा ना पाई। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व आई सूर्य प्रताप सिंह ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए दीपक चौरसिया जी, आपका पत्रकार जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। आपकी अथक चाटुकारिता एवं दिन रात नफरत फैलाना भी काम नहीं आया। मीडिया जगत की जो स्थिति है उसके लिए ये गोदी मीडिया खुद जिम्मेदार है। अपना आत्मसम्मान सूचना विभाग को गिरवी रख, चूँकि मीडिया को एक ना एक दिन यही हाल होना था। इस वीडियो को शेयर करते हुए इमरान प्रताप बड़े लिखते हैं, उन्नाव में पत्रकार को पीटते हुए ये सीडीओ दिव्यांशु पटेल हैं। ये महाशय वही हैं जिन्हें बाराबंकी में मस्जिद तोड़ने का इनाम SDM से सीडीओ बना दिया गया था। ऐसे में गोदी मीडिया के दीपक चौरसिया के पीटे जाने पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुँचाई जा सके।